का दूसरा दिन ब्रिज कोर्स के दूसरे दिन में यहाँ पर बच्चों को मुख्तलिफ परिंदों की आवाज़ों की शनाख्त कराना है। तस्वीर के साथ यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है और पैराग्राफ के जरिए बच्चों से आज गुफ्तगू कराना है और उसी के साथ में यहाँ पर सवाल पूछे जाएंगे बच्चों को। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ तक से यहाँ पर कुछ परिंदों की तस्वीर निकाली गई है। मोर है, कौवा है, तोता है, मुर्गा है, बगला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आज ब्रिज कोर्स का दूसरा दिन है और मैं आज आपके सामने मोर के बारे में कुछ अल्फाज कहूँगी। मोर हमारा कौमी परिंदा है। ये आमतौर पर 4 फुट लंबा होता है। इसकी गर्दन लंबी और रंग चमकदार नीला होता है। बरसात में जब बादल गिर जाते हैं तो मोर अपनी लंबी दुम को पंजे की तरह फैलाकर खुशी से नाचते हैं। मोर भारत श्रीलंका और अफ्रीका में पाए जाते हैं। मोर सफेद रंग में भी पाए जाते हैं। वेरी गुड। सवाल पूछूं, हमारा कौमी परिंदा कौन सा है? हमारा कौमी परिंदा मोर है। मोर की नाच का मंजर कैसा होता है? मोर के नाच का मंजर दिलकश होता है। मोर भारत के अलावा और कहाँ पाया जाता है? मोर भारत के अलावा श्रीलंका और अफ्रीका में पाया जाता है। वेरी गुड, तालियां बजाओ। चलो मुख्तलिफ परिंदों की आवाज़ें निकालो। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ब्रिज कोर्स का दूसरा दिन। कबूतर कई रंग और नस्ल के होते हैं। कबूतर उन परिंदों की तरह झुंड बनाकर रहते हैं। कबूतर की आवाज़ गुटरगू सुनाई देती है। पिछले ज़माने में कबूतरों से पैगाम भेजने का काम भी लिया जाता है। कौवे की आवाज निकालो। कोयल की आवाज। चिड़िया की आवाज। तोते की आवाज। मुर्गे की आवाज़।